केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों की। जिले में स्वास्थ्य के नाम पर भले ही शासन आधुनिक और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का दावा करता हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। शासन ने गान गांव बिल्डिंग तो खड़े कर दिए, लेकिन इनमें चिकित्सक मुहैया कराना शायद जरूरी नहीं समझा। नतीजन ग्रामीण इन व्यवस्थाओं से नाराज नजर आए। पिछले 5 सालों से डोंगर गांव में ड्रेसर के भरोसे चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को अस्पताल पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों की मांग है कि चिकित्सक की नियुक्ति कागजों पर ही धरातल पर चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने से लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने की काफी उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर चिकित्सकों की तैनाती नहीं होने से लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। क्या नाम है आपका? हेमंत यादव। ड्रेसर पद पर पदस्थ हूँ। कितने कर्मचारी? यहाँ पे 5 से 6 कर्मचारी पदस्थ है। गाँव वालों का आरोप है कि डॉक्टर आते हैं, कर्मचारी सारे हैं, सारी सुविधाएं हैं अस्पताल में, लेकिन डॉक्टर की कमी है, जिस कारण मरीज परेशान होते हैं। हम तो इलाज करते हैं, लेकिन मरीज की डिमांड डॉक्टर की रहती है कि डॉक्टर रहेगा तो इलाज करवाएंगे। इस कारण परेशान होकर मरीज को रेफर करना पड़ता है। वो जाता है 30 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल में। कब से नहीं आ रहा डॉक्टर? अभी बहुत समय हो गया, कम से कम 3-4 साल से डॉक्टर की समस्या चल रही है गाँव में। इसको लेके आपने उच्च अधिकारियों को? जी, हमने पूरी कार्रवाई करी है, सब आगे से डिमांड करी है हमारे अधिकारियों से, पर कोई समाधान नहीं हो रहा। गांव वाले परेशान होते हैं और 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। तो आज सब ने फैसला किया, गांव वालों ने, कि पूरे स्टाफ को बाहर करके ताला लगाना चाहिए। ताला? जी। अब क्या करेंगे आप? अब हम हमारे अधिकारियों को सूचित कर दिया, अब जो भी करना है अधिकारी करेंगे। हम तो कर्मचारी है सर, हमको भिड़ सकते हो। क्या नाम? हेमंत यादव। हॉस्पिटल से जुड़ी हुई कम से कम आसपास के क्षेत्र की 20,000 ग्रामीण जन है। यहाँ रोजाना 100 OPD आती है और यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। यहाँ डॉक्टर की तनख्वाह यहीं से निकल रही है, पोस्टिंग 5 वर्ष पहले की हुई है और यहाँ डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। और हम सरकार और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमको तुरंत डॉक्टर मुहैया कराया जाए। मरीज आते हैं, परेशान भी होते हैं, कहाँ जाते हैं? डॉक्टर नहीं मिलता? डॉक्टर नहीं मिलता तो खरगोन जाना पड़ता है, 35 किलोमीटर दूरी पर। रोज की समस्या? रोज की समस्या आई है। ताला लगाया आपने? आज ताला लगाया हमने। क्या नाम है आपका? दुर्गेश पाटीदार। आज नारेबाजी भी की और हमने यहाँ से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, डॉक्टर की नियुक्ति तो 5 साल पहले की हुई है, डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहा, तनखा ही से निकाल रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पंचायत है, विधायक बीजेपी का है, मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार की बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। तो ये सरकारों की मंशा है कि गांवों और शहरों में भेद कर रहे हैं। गांव में स्वास्थ्य है नहीं, शिक्षा है नहीं और नारे बड़े बड़े लगा रहे हैं। तो इसलिए हमने आज हॉस्पिटल को ताला लगा दिया है कि जहां तक डॉक्टर नहीं आएगा वहां तक ये हॉस्पिटल का ताला नहीं खुलेगा। क्या समस्या है इसी मरीज? भाई यहाँ मरीज आते हैं, डॉक्टर नहीं होने की वजह से वापस जा रहे हैं, यहाँ डिलीवरी पॉइंट है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो कल को हादसा होगा तब इनको पल्ले पड़ेगा कि भाई हादसा होने के बाद प्रशासन जागता है, सरकार जागती है। तो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ डॉक्टर की ड्यूटी होना। हम तो कलेक्टर साहब को भी लिखित में दे दिया है, विभाग को भी हमने लिखित में दिया है कि भाई हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है लंबे समय से, जबकि तनख्वाह यहाँ से निकल रही है और डॉक्टर ड्यूटी कर नहीं रहा है, लेकिन कोई काम करने को इसमें तैयार नहीं है। इसको लेकर अब आगामी क्या रणनीति? आगामी यही रणनीति है कि हॉस्पिटल पे ताला रहेगा। अगर नहीं आते हैं तो हम सांसद जो अभी चुनाव होने जा रहा है इसका भी विरोध करेंगे, सांसद का भी विरोध करेंगे, मोदी सरकार का भी विरोध करेंगे और मनमोहन सिंह मोहन यादव का भी विरोध करेंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश पाटीदार। हमारे यहाँ की मुख्य समस्या है कि हमारे यहाँ कम से कम 8 महीने से बादल नहीं, 5 साल से डॉक्टर नहीं है। पहले भी डॉक्टर था तो उन जाता था, घे गांव जाता था, डोंगर गांव रहता था, बहुत समय कम मिलता था यहाँ पर। पेशेंट ये चौराहे का गांव है, 5-6 गांव से पेशेंट रोज 150 से 200 पेशेंट आते हैं, न डॉक्टर की उपस्थिति रहती नहीं यहाँ पर। हमने CHMO साहब से भी निवेदन किया था कि हमारे यहाँ डॉक्टर की पोस्टिंग जल्दी से जल्दी की जाए, हमें पहले भी आश्वासन दिया था कि हो जाएगा। अभी पहले हमने विधायक महोदय से भी बात करी थी, उन्होंने भी इनको बताया और लेटर भी दे दिया कि भाई यहाँ डोंगर गाँव में डॉक्टर की पोस्टिंग जल्दी से जल्दी की जाए।
पर अधिकारी वर्ग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ जल्दी से जल्दी डॉक्टर की उपस्थिति की जाए, इसी कारण हमारे गांव के लोगों ने परेशान होकर ये जो कदम उठाया है, हमारे यहाँ डॉक्टर जल्दी से जल्दी भेजा जाए और समस्या का निराकरण किया जाए। ताला भी लगाया सबके गाँव के सहयोग से ये काम हुआ है ना। डॉक्टर जल्दी जल्दी आए तो हम समस्या का निराकरण चाहते हैं। क्या नाम लिखते? मुकेश पाटीदार, उप सरपंच ग्राम डोंगर गाँव।